चलो गाइस, दिस इज विकास बघेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फनकार बाइक सपोर्ट। आज टीवीएस एंटॉर्क 125 जो कि वीडियो बना रहा है मेरा भाई राहुल, उसकी गाड़ी की सर्विस कराने लेके आए हैं। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पहली सर्विस है गाड़ी की, 500 से 700 किलोमीटर के बीच में होती है। और वो पहली सर्विस में क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए और कैसे होती है, कई लोग पहली बार गाड़ी लेते हैं तो कुछ पता नहीं होता, इसलिए उनकी गाइड के लिए बना रहा हूँ कि पहली सर्विस में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे सब कुछ करवाना। देख लो ऊपर टीवीएस का, ये माई टीवीएस का ये सर्विस सेंटर है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हो तो ये झिलमिल में है, इसकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। मैं भी यहाँ से अपनी टीवीएस विक्टर की सर्विस करा चुका हूँ और इसीलिए एंटॉर्क की पहली सर्विस कराना आया हूँ। तो आओ देखो, पहले अंदर की मैं गाड़ी दिखाता हूँ। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए फनकार बाइक सपोर्ट को और दबाइए इस घंटे को ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे पार्ट्स मिलते हैं और ये वॉशिंग एरिया है यहाँ का जिमे वाली वर्कशॉप का, और ये हमारी गाड़ी खड़ी है जिसकी सर्विस होनी है। सो गाइस, एज यू कैन सी, ये है टीवीएस एंटॉर्क 125 रेस एडिशन है। और आ जाओ मैं दिखा देता हूँ ये कितना किलोमीटर चली हुई है। सो गाइस आप देख लो, ये 681 किलोमीटर चली हुई है। देखो ये 681 किलोमीटर चली हुई है और सर्विस रिमाइंडिंग का यहाँ पे इंडिकेटर है, तो ये सर्विस मांग रही है। तो सबसे पहले वर्कशॉप में आइए गाड़ी, और अभी इसका जॉब कार्ड बनेगा। तो भाई ये हमारा जॉब कार्ड बना रहे हैं, भाई अब्दुल्ला नाम है इनका, यहीं पे झिलमिल वाली वर्कशॉप में काम करते हैं। और सबसे पहले अपनी गाड़ी जब भी नहीं लाओ, पहली सर्विस हो, तो सबसे पहले भाई क्या होता है, सबसे पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप बताओगे, उसके बाद एक पेज निकल के आएगा आपकी जॉब कार्ड के लिए, है ना भाई, उस पर आपकी जो भी काम होगा वो सब लिखा जाएगा। डलता है पेट्रोल टैंक में, इसलिए डलता है पेट्रोल में जो कार बनाता है उसे क्लीन करता है, एवरेजर पिकअप के लिए। ठीक है, मैंने डलवाया था पिछली बार क्योंकि मेरी गाड़ी काफी टाइम से खड़ी हुई थी ना, बट इसमें जरूरत नहीं इसकी। हमारी यहाँ गाड़ी में इंजन की फ्लैशिंग होती है, उसका चार्ज 150 है। मैंने करवाया था पिछली बार, इसकी इसमें जरूरत नहीं है, फ्लैशिंग भी नहीं करानी। ठीक है, फिर आपका 340 रुपये इंजन ऑयल का खर्चा आएगा, 100 रुपये बैटरी की। तो भाई ने जैसे कि हमें बताया, सबसे पहले सारा सामान निकाल लेना, अगर आपकी स्कूटी हो बाइक में भी अगर कुछ रखते हो तो निकाल लेना, स्कूटी का सारा सामान बाहर निकाल लो। उसके बाद आपकी गाड़ी की जो भी कंडीशन है, पेट्रोल कितना है, कोई स्विच काम कर रहा है नहीं कर रहा है, स्क्रैचेस है कोई, अगर आपको ग्राफिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो सब लिख देंगे ताकि आपको बाद में कोई शिकायत ना हो। और जैसे कि मैंने बताया था, भाई ने बताया था, पहले फ़ोन नंबर आपका रजिस्टर्ड लेंगे, उसके बाद एक जॉब कार्ड निकल के आएगा। बैटरी लुब्रिकेशन और स्विच लुब्रिकेशन वो 100 रुपये का है, 440 कॉस्ट है जो सर्विस है, और बाकी बाकी सब वही है। और ये स्लिप मिल जाती है, हाँ ये रिसीविंग स्लिप मिलेगी आपको, इसमें टाइम 3 बजे टाइम, यहाँ पे ये सब कुछ है, मतलब यहाँ पे सब कुछ आपको रिटर्न में मिल जाएगा। सो गाइस, और पहली सर्विसिंग में कैसे कैसे होता है मैंने अभी अभी तक आपको बताया, गाड़ी की जॉब कार्ड कैसे बनवाना है, और उसके बाद गाड़ी की सर्विस अब स्टार्ट। इंजन ऑयल यहाँ पे नीचे निकल चुका है, ये पुराना इंजन ऑयल होता है और इसमें अब नया इंजन डाला जाएगा। पहली सर्विस के बाद ही एक्चुअली असली गाड़ी निखर के आती है, तो अभी काम स्टार्ट हो चुका है। तो अब्दुल्ला जी, पहली सर्विस कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी गाड़ी के लिए? काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें पहली सर्विस में आपका इंजन ऑयल चेंज होता है। इंजन ऑयल चेंज कंपलसरी इसलिए होता है कि आपकी गाड़ी की जो इंजन की मूवमेंट है, जो घिसेगी उसके पार्ट घिसते हैं उसमें कचरा आ जाता है, इसलिए ऑयल चेंज कराना कंपलसरी है पहली सर्विस में। अगर आप ऑयल चेंज नहीं कराते हो पहली सर्विस, तो इस कंडीशन में आपको कंपनी भी वारंटी नहीं देती। सही बात, उसमें कंपनी कहती है कि अगर आपने ऑयल चेंज नहीं कराया, इसमें कचरा जो आ रहा है वो थोड़ा बाहर निकलेगा, जब इतने जाके ऑयल चेंज होगा। अच्छा, कई कई गाड़ियों में क्या होता है, पहली सर्विस कराते ही ना बहुत अच्छी चलने लग जाती है, उसमें पिकअप खुलता है, एवरेज खुलती है, प्लस सारे नट बोल्ट चेक होते हैं, टाइट होते हैं, इसमें RPM ऊपर नीचे करा जाता है। अच्छा अच्छा, जिससे कस्टमर की एवरेज भी बढ़ाई जाती है। तो मतलब हम ये मान के चले कि जो असली गाड़ी होती है वो पहली सर्विस के बाद निकल जाती है। सर्विस के बाद होती है, पहली सर्विस से पहले आप इसे 40-50 ही चला सकते हैं, मगर फर्स्ट सर्विस होने के बाद इसे आप 70-80-90 प्लस चला सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है चलाने की। तो मैंने भी वीडियो कंट्रोल कर सकते हो इसे। तो मैंने भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि पहली सर्विस से पहले तक आप 50 से ऊपर अपनी गाड़ी को ना ले जाए, उसका यही रीजन था जैसे कि अब्दुल्ला जी ने बताया। अब इसके बाद पहली सर्विस होगी, इसके बाद आप भगाओ इस जो गाड़ी है, जो गाड़ी टीवीएस एंटॉर्क 125, इसकी 95 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, तो आप इसको वहां तक ले जा सकते हो पहली सर्विस के बाद, उससे पहले तक नहीं ले जा सकते। पहले ले आओगे तो आपके इंजन में दिक्कत आ जाती है, स्मोक की, वो लाइफ टाइम के लिए रहता है, लाइफ टाइम के लिए रह जाती है। उससे पहले भगाओगे तो लाइफ टाइम के लिए अपनी गाड़ी खराब कर लोगे, और कुछ नहीं। तो अभी सर्विस हो रही है, तो पूरा सामने वेटिंग एरिया जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम वहाँ जाके बैठेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे।
तो गाइस अब हम बैठे हुए हैं वेटिंग रूम में। ये राहुल है जो वीडियो बना रहा था क्योंकि अब मेरे साथ में हमने बना रहा हूँ इसी की गाड़ी है एंटॉर्क। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो पीछे वहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई है पूरी, ये जो गाड़ी है ये हमारी गाड़ी लगी है सर्विसिंग के लिए। और 1:30 से 2 बजे तक इनका लंच ब्रेक है, तो उसके बाद ये जो काम होगा वो होगा। और देखते हैं 3 बजे का टाइम है गाड़ी का, कब तक मिल जाती है पहली सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वो हो रही है। लेट्स सी। A few moments later. So guys, वहाँ से बे से आ गई है गाड़ी, इस पर काम पूरा हो चुका है, बस वॉशिंग रह गई है। यहाँ पे एक भाई ये वॉशिंग कर रहे हैं, तो अब ये वॉशिंग होगी इसकी। इंजन ऑयल चेंज होना था, एवरेज वगैरह खींचना था, वो सब कुछ इसमें हो चुका है, ठीक है। और बाद अब इसकी वॉशिंग रह गई है, अभी वॉशिंग हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी गाड़ी जो है पूरी हो चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं इस पर सब कुछ हो गया है। धुलने के बाद जो होता है इस पर पॉलिश होती है और वो सब भी पूरा हो चुका है, देखो एकदम मस्त लग रही है। तो गाड़ी की जो पहली सर्विस है 500 किलोमीटर की, 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर के बीच में, वो पूरी हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहले सर्विस इंडिकेटर आ रहा था वो नहीं आ रहा है यहाँ पर, और 1:81 पे हमने पहली सर्विस कराई है। तो भाई ये पहली पूरी सर्विस थी, ये झिलमिल का माई टीवीएस का सर्विस सेंटर है और यहाँ से मैंने कराई है। काफ़ी अच्छी लोग सर्विस करते हैं। और पहली सर्विस में कुछ नहीं, आपको आना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर बताना है, उसका जॉब कार्ड बन जाएगा। जॉब कार्ड बनने के बाद जो ऑयल होगा उस ऑयल के हिसाब से आपके पैसे लग जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा आपकी गाड़ी में कुछ कमी होगी तो आप बता देना, वैसे पहली सर्विस पर होती नहीं है। नट बोल्ट वगैरह सारे टाइट हो जाएंगे और आपकी एवरेज वो सब खींच दी जाएगी, ताकि आप एक अलग ही एक गाड़ी को एक्सपीरियंस कर पाओ पहली सर्विस के बाद। तो दोस्तों गाड़ी होने के बाद आपका बिल कार्ड यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे जॉब कार्ड पहुँच गया और बिल होगा। ये अब्दुल्ला जी है, ये लेके आए हैं बिल कार्ड हमारा, जॉब कार्ड। हाँ, तो अब यहाँ पे जो फाइनल बिल होगा वो यहाँ से रिसिप्ट निकाल के देंगे, और उसके बाद यहाँ पे कैश काउंटर पे कैश जमा होगा, और देन उसके बाद हम अपनी गाड़ी को जो वहाँ पे खड़ी हुई है उसको लेके जा सकते हैं। सो गाइज ये बिल है और फाइनल इसका ये जो है स्लिप कट गई है 440 की, और ये अब यहाँ पे जमा होगी। ये भाई पूरा करेंगे। और तो भाई पकड़ फीडबैक फॉर्म दे देना भाई, एक फीडबैक फॉर्म। तो गाइज ये फीडबैक फॉर्म है, अगर यहाँ से यहाँ पे कैसी आपको सर्विस मिली वो सब, तो इसको भरते हैं। क्या अपनी गाड़ी की सर्विस से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, समय पर गाड़ी मिली और आपको सर्विस में ब्यौरा दिया गया, चलाकर देखी? चलो हाँ। A few moments later. So guys, अब अब्दुल्ला भाई ये यहाँ पे चेक करा रहे हैं हमें कि सब कुछ वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। इंडिकेटर पे चेक कर लो, हॉर्न चेक कर लो, और एग्जॉस्ट साउंड बिल्कुल बदल गया है, हेडलाइट बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है, और बैक लाइट देख लेते हैं, बैक लाइट बिल्कुल काम कर रही है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। हाँ तो दोस्तों हम टेस्ट राइड पे जा रहे हैं गाड़ी को लेके, और सर्विस के बाद आपको ये टेस्ट राइड देखेंगे, आप देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में। काफ़ी अच्छी चल रही है, ब्रेक्स ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं।
तो दोस्तों हमने फाइनली सब सर्विस करा ली है, जो कि आपको मैंने दिखाया भी, टेस्ट राइड भी ली और कैसे कैसे सब कुछ पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया। पहले आओ, जॉब कार्ड बनवा, आपको रजिस्टर नंबर बताना है, जॉब कार्ड बनवाना है, उसके बाद काम होगा, वॉशिंग होगी, वॉशिंग के बाद आपका बिल बनेगा, बिल के बाद आपको गेट पास दिया जाएगा जो आपको गार्ड के यहाँ जमा करना है, और उसके बाद आपको अपनी चाबी मिल जाएगी और टेस्ट राइड दी जाएगी जैसे कि मैंने टेस्ट राइड ली। सो गाइस, आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, बहुत सहायता मिली होगी इस वीडियो को देखने के बाद कि कैसे फर्स्ट सर्विस जो अपनी गाड़ी की करवानी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप कभी शोरूम नहीं, एक्चुअली यहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं आए हो तो कैसे करना है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में केवल इतना ही, कैसी लगी आपको जरूर नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक ठोक देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाल बटन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि सभी नोटिफिकेशन, सभी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज विकास बघेल साइनिंग ऑफ फनकार बाइक सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।